चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। वैसे दोस्तों आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। धीरे 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 थोड़े बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही है, आर यू नोटिसिंग इट? आपको दिख रहा है क्या? जी हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएगा आपको कैसे लग रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे बैकग्राउंड्स को वगैरह, लेकिन अभी भी कहना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें नई नई आने वाले कुछ दिनों में। सो वेट फॉर इट, सिर्फ फीडबैक देते रहिए क्योंकि हम आपके कमेंट्स 100% पढ़ते हैं। मैं खुद पढ़ता हूँ दोस्तों, सोने से पहले वही काम है मेरा, पूरे कमेंट्स पढ़ना। तो फीडबैक देते जाइए, आई लुक फॉरवर्ड फॉर इट। चलिए चालू करते हैं आज की टेक न्यूज दोस्तों। और इतनी सारी खबरें हैं, लेकिन पहले आज जो आजकल जो हॉट है व्हाट्सएप जो हॉट है आजकल दोस्तों, उसके बारे में, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है दोस्तों, वो आने के बाद सिग्नल और टेलीग्राम की तो चांदी हो गई दोस्तों, चांदी लिटरली। सिग्नल ऐप तो कुछ 8-10 कंट्रीज में नंबर 1 डाउनलोडेड पे पहुंच गया है। लोग जो है व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट कर रहे हैं और सिग्नल और टेलीग्राम पे जा रहे हैं। टेलीग्राम ने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इतना ट्रोल किया दोस्तों व्हाट्सएप को, पूछिए मत। होना चाहिए था व्हाट्सएप को कंपटीशन आनी चाहिए थी, और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसकी वजह से डेफिनेटली टेलीग्राम एंड सिग्नल आर कमिंग अप। आपने इस्तेमाल किया है इसे? जरूर बताएं। वैसे दोस्तों बात करते हैं लूडो किंग की, बहुत हो गया बात करके पबजी और ये सब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लूडो किंग। जी हाँ, उसमें एक बड़ा अपडेट आ गया। वैसे आप में से कितने लोग खेलते हैं लूडो किंग? आज का जो पोल होगा दोस्तों वही होगा, डू यू प्ले लूडो किंग? अच्छा लगता है आपको? जरूर बताएगा पोल में पार्टिसिपेट करके। लेकिन इसमें जो अपडेट आया है, इसमें अब एक क्विक मोड आ गया है। जनरली 15 से 40 मिनट तक एक गेम खेलने के लगता है, लेकिन क्विक मोड में 5 मिनट में आप खेल पाओगे, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, प्ले क्विक मोड। और एक अपडेट जो है वो है 6 प्लेयर मोड, जहां पे 6 लोग खेल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर मोड है, मतलब दूसरे लोगों के साथ भी आप खेल पाओगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग लूडो किंग अपडेट। वैसे दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार हमारी टेक न्यूज़ देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों गेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं एक नॉट सो गुड न्यूज। जी हाँ, PS5 Feb 2nd को आने वाला था, PlayStation 5 आ रहा है, नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ डिस्क एडिशन, डिजिटल एडिशन जो है दोस्तों वो अभी नहीं आने वाला है। साथ में उनका जो DualSense चार्जर है वो नहीं आ रहा है, उसका जो हेडसेट है PS5 का हेडसेट है वो नहीं आने वाला है, HD कैमरा भी नहीं आएगा, तो एक्सेसरीज भी बहुत सारे नहीं आने वाले हैं Feb 2nd को इंडिया में। दैट इज बैड, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग एवरीथिंग। दोस्तों 2021 इज गोइंग टू बी बिग फॉर अंडर डिस्प्ले कैमरा स्मार्टफोन्स। जी हाँ, बहुत सारे लॉन्च होंगे, दैट आई प्रॉमिस यू। उसमें से एक जो चीज हो गई है वो मुझे लगता है कि सैमसंग जो है वो लेके आएगा ऐसे बहुत सारे फोन्स इसी साल में, बाय द एंड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि उनका पेटेंट आ गया है अभी अंडर डिस्प्ले कैमरा का, और अलग है, सिर्फ एक छोटा सा पंचोल जैसे वैसे नहीं है, पूरी लाइन है ऊपर की तरफ, और दो अलग अलग डिस्प्लेज होने वाले हैं। बट ओवरऑल सैमसंग के अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले स्मार्टफोन्स आने वाले हैं इसी साल। दोस्तों गैलेक्सी जी फ्लिप थ्री, जी हाँ, उनका जो क्लैमशेल 4 है वो, उसका एक डिजाइन आ गया है, इट इज नॉट डिजाइन, कंसेप्ट आ गया है, रेंडर्स आ गए हैं, और बहुत अच्छा दिखने को, ऐसे तो लग रहा है कि जो बेजल्स होने वाले बहुत पतला होगा, फोन भी छोटा होने वाला है, और कैमरा डिजाइन जो होगा वो S21 होगा। इट लुक्स लाइक हाइब्रिड ऑफ पुराना जो गैलेक्सी जी फ्लिप था पिछले साल का, प्लस S21 जो अभी लॉन्च होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। US के अंदर दोस्तों मोटोरोला ने उनके 4 फोन्स आज अनाउंस कर दिए हैं। जी हाँ, एक तो मोटो जी स्टाइलस है, जिसमें स्टाइलस आता है एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर आता है, पहला ही फोन होगा शायद जो 678 के ऊपर है। दूसरा जो फोन है वो जी पावर है, मोटो जी पावर, मोटो जी प्ले, और एक आया हुआ है दोस्तों मोटोरोला 1 5G एस। जी हाँ, ये जो है 750G पे। अगर प्राइजेस के पास आप देखोगे तो जो स्टाइलस एडिशन है वो कुछ 22,000 का है, पावर और प्ले अराउंड 15-20,000 की रेंज में, और जो 5G 750G वाला उनका एस है Motorola 1 S, ये जो है ये जाता है कुछ 30,000 के करीब। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं, आई डोंट नो वेदर दीज आर गोइंग टू कम टू इंडिया और नॉट, अब आएंगे तो आपको ऑब्वियसली सब कुछ बताएंगे। वैसे दोस्तों आपको हमारी टेक न्यूज़ अच्छी तो लगती है ना? अगर अच्छी लगती है जरूर लाइक कीजिएगा, भूलिएगा मत। अच्छी नहीं लगती है नीचे जाइए बताइए, 1 घंटे में कमेंट कीजिए, यू नो व्हाट हैपेंस विद यू। वैसे दोस्तों आज का जो वीडियो अपलोड किया है, डू नॉट मिस दैट वीडियो। जी हाँ, हमने किया हुआ है एयरपॉड्स मैक्स, 60,000 के जो हेडफोन्स है एप्पल के, उसका अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन किया हुआ है, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस मैंने बताए हुए, जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा। वैसे दोस्तों कल हमने आपसे पूछा था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप किस रेजोल्यूशन में हमारे जो वीडियोज है वो देखते हो, और दोस्तों एक बात कहो, 360p या फिर उससे भी कम पे 55% लोग देखते हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोग। हम 4K अपलोड करते हैं और आप 360p पे देखते हो, ठीक है।
15% लोग कुछ 480p पे देखते हैं, 11% लोग फुल HD 1080p पे देखते हैं। मुझे पता है डेटा का इशू है, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन अगर अच्छे रेजोल्यूशन पे देख पाओगे तो जरूर देखिएगा, एटलीस्ट एक दो टेक न्यूज देखिए हमारे नए स्टूडियो में, अच्छा लगेगा। तो सर, डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा है कि इस साल के भी जो गेमिंग फोन्स होंगे उसमें 2K कैमरा, 2K डिस्प्ले जो है वो नहीं आने वाला है, फॉर एग्जांपल रेड मैजिक 6 या फिर ROG फोन 5। जी हाँ, डिजिटल चैट स्टेशन जनरली दे आर, ही इज राइट, लेकिन उन्होंने कहा है कि 144 हर्ट्ज प्लस फास्ट रिफ्रेश रेट पे होने वाले, बट स्क्रीन जो होने वाली है वो फुल HD। दोस्तों, यूरोप में आज Xiaomi ने उनका Redmi Note 9T लॉन्च कर दिया 229 यूरोस को। ये Dimensity 800U पे है एंड जो दूसरा है वो Redmi 9T है, दैट वाज सरप्राइजिंग, ये 662 पे। इसकी प्राइस कुछ 14,500 वगैरह और 229 वाला जो है दैट इज अराउंड 22,000। आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया और नॉट, आएगा तो आपको जरूर बताएंगे सब। WTF News of the Day, जी हाँ, हमने स्मार्टफोन्स ब्लास्ट होते हुए देखे, आग लग गई स्मार्टफोन्स को, ये सुना है, लेकिन मी बैंड 5 रेडिट यूजर है, उन्होंने कुछ फोटोज डाले हुए, उन्होंने चार्ज करने को रखा था उनका मी बैंड 5 और वो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, आग लग गई तो उन्होंने फेंका और पैर से कुचला, थैंकफुली छोटा था इसलिए किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन स्मार्ट बैंड, फिटनेस बैंड ब्लास्ट होता है, दैट्स नॉट गुड, पहली बार मैं। वैसे दोस्तों, वीवो ने रिवील कर दिया कि एंड्रॉइड फन टच OS 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 ये अब उनके कौन से फोन्स में आने वाला है। इनफैक्ट X50 Pro दिसंबर में ही आ गया, X50 देन V19 वगैरह ये जो है ये जैन में आने वाले हैं, उसके बाद में V17 फेब में, मार्च में V17 सीरीज को आएगा, उसके बाद में S1 Pro को वगैरह आने वाला है। तो मार्च अप्रैल तक बहुत सारे जो पिछले 1.5 साल में फोन्स लॉन्च हुए वीवो के, उसके ऊपर आ जाने वाला है फन टच OS 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड। और दोस्तों, Poco M3 इंडियन एडिशन जो है वो ब्लूटूथ 6 वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हो गया है, सर्टिफाई हो गया है, और आपको तो पता है ये Poco M3 इज बेसिकली Redmi Note 9 4G जो चाइना में लॉन्च हुआ था, अभी Redmi 9 Power जो अभी लॉन्च हुआ है वही थोड़ा सा डिजाइन वगैरह चेंज करके Poco M3 के नाम से आएगा। जी हाँ, जैन एंड तक लॉन्च। दोस्तों, आज एक एक्सक्लूसिव, शायद एक्सक्लूसिव है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन रियलमी लिंक ऐप में दोस्तों हमें कुछ नई चीज दिखी, स्मार्ट AC, Realme की तरफ से स्मार्ट AC दिखा, फोटो भी आ रहा है, और उस Realme लिंक ऐप से आप टेम्परेचर कम ज्यादा वगैरह कर सकते हो, उसके जो लूअर से ऊपर नीचे कर पाओगे, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो Realme लिंक ऐप एक सेंट्रलाइज्ड ऐप होने वाला है जहां पे सब जो IoT डिवाइसेज हैं इंक्लूडिंग स्मार्ट AC वो आप कंट्रोल कर पाओगे, वेरी नाइस, मतलब Realme सही में अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। और Realme की बात करूं दोस्तों, तो ऐसी खबर आ रही है कि Q2 एंड Q3 इस साल के Q2 2020 एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्ट टीवी ब्रांड था वो, 240% से वो ग्रो कर रहे थे। अगर इसी टाइम में Xiaomi के बारे में बात करूं तो दे ग्रू बाय 73%, वेयर इज Realme स्मार्ट टीवी का जो मार्केट शेयर है वो कुछ 3.5% से 7.2% पे चला गया, 240% के ऊपर उनका ग्रोथ हुआ, नॉट बैड। दोस्तों, टेक न्यूज होती है खत्म एंड लिंक्स, ऑफर्स, डील्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, जरूर जाके देखिएगा, इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। वक्त होता है ऐप ऑफ द डे का, वेवलेट नाम है दोस्तों, और अगर आप ज्यादा म्यूजिक सुनते हो यू आर गोइंग टू लव दिस ऐप। बेसिकली ये एक इक्वलाइजर है आपके हेडफोन्स के लिए। जी हाँ, अगर आपके फोन में भी नहीं है ये ऐप इंस्टॉल कीजिए एंड यू कैन इक्वलाइज, जैसे कस्टमाइज करना चाहोगे, जैसे आपको सुनना चाहते हो आपका म्यूजिक वैसे आप इक्वलाइज करके सुन पाओगे। So Wavelet, it's an equalizer for your mobile. Go and download it. Link नीचे description में दी हुई है। दोस्तों, अब वक्त होता है ट्रैक एंड टेक्चरण का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज़ में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में, #TDDA डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है भोजपुरिया रेस, कांग्रेचुलेशन भोजपुरिया जी, भेज दिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज़, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, शकील अहमद, केशव किशोर, राज कमल, कांग्रेचुलेशंस, लवली 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 कमेंट्स दोस्तों, ऐसे ही रोज कमेंट्स करते रहिए, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट्स, लाइक्स, रिप्लाइज देता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 931 खत्म होती है इधर ही। इफ यू हैव लाइक इट, भूल गए होंगे लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।